हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कर्ल रो में करवा चौथ के ऊपर कुछ क्रिएटिव डिजाइन करना। तो सबसे पहले हमें फाइल में जाके न्यू पेज लेना है, या आप कंट्रोल एन से भी न्यू पेज ले सकते हो। उसके बाद हमें जाना है रेक्टेंगल पे। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा जो भी आपका पेज का साइज होगा। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे ग्रेडियंट, हमें एक लाइन में कुछ सीधा ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर ऑप्शन में जाओगे आप, यहाँ पर आएगा आपको सर्कल का ग्रेडियंट आ जाएगा। फिर आप सिंगल क्लिक करना है, वो कलर फिल करना है इस पर, तो यहाँ जाकर आप कलर फिल कर दोगे इस पर। अगर आपको कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर रखना हो अपने अकॉर्डिंग आप वो यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको डार्क करना है तो आप डार्क कर सकते हो, लाइट करना है तो लाइट कर सकते हो, सारे ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। उसके बाद दोबारा यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगल लेंगे, ओ सर्कल लेंगे। सर्कल को हम छोटा सा ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, फिर जूम कर लेंगे। इसमें वाइट कलर हम फिल कर देंगे, जो उसका बेस कलर होगा वाइट वो हम फिल कर देंगे। जो उसके आउटलाइन है यहाँ से इसको हम हटा देंगे राइट क्लिक करके क्रॉस पर जाके। फिर हम जाएंगे कन्वर्ट टू बिट मैप कर लेंगे इसको, जिससे इमेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जाएंगे ब्लर पे, इसको हम गौसे ब्लर कर देंगे, जितना भी आपको थिकनेस रखना हो ब्लर का आप वो रख सकते हो। उसके बाद हमें जाना है एडिट पे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। फिर जाएंगे एडिट पे, इसको हम पेस्ट कर लेंगे, या शॉर्ट की होता है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, आप वहाँ से भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। फिर माउस से राइट क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएगा, तो यहाँ मैं माउस से इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ जिससे डुप्लीकेट हो जाएगा ये। या आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको आप सेट कर सकते हो जैसा आपको सेट करना हो। फिर मैंने ऑल सेलेक्ट किया इसको, यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया है, और यहाँ से जो उसका डायरेक्शन है वो मैं चेंज कर दूंगा। फिर को दोबारा सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे राइट क्लिक करके। फिर ऑल दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे जाकर हम डुप्लीकेट कर देंगे राइट क्लिक करके, जो जो इसका डायरेक्शन है वो हम चेंज कर देंगे। फिर ऑल क्लिक किया हमने, फिर हमने रिकॉर्ड कर दिया डुप्लीकेट, जो इसका डायरेक्शन वो हमने चेंज कर दिया है। फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हमने देखिए तीन मिनट डुप्लीकेट कर लिया। यहाँ पर जाकर इसको ग्रुप कर देंगे, या आप कंट्रोल जी से भी ग्रुप कर सकते हो, शॉर्ट की होता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये हमने काफ़ी बार रिपीट कर रखा है, तो ये यहाँ पे देखिए ये वैड भी नहीं होगा क्योंकि पहले से एक जेपीजी है, तो जेपीजी कभी भी वैड नहीं होता। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लूँगा, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं इसको हम वैड कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, या थोड़ा इसको हम कम कर देंगे, तो नहीं होगा ये। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल तरीका है, यहाँ पर हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ग्रुप कर लेंगे, दोबारा जाएंगे बिट मैप पे, इन सबको ऑल को हम कन्वर्ट टू बिट मैप कर देंगे, तो सिंगल इमेज बन गया ये। फिर अब यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी टूल लोगे तो देखिए अब ये ऑटोमेटिक कम हो रहा है। फ्रेंड, सिंपल तरीका है कैसे यूज किया जाता है क्रिएटिव को, कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। और मैं हर एक अपने वीडियो में यही बताता हूँ कि हमें कैसे क्रिएटिव को डिजाइन करना है और कैसे बनाना है। तो देखिए मैंने ऊपर लाइट रखा है, नीचे हल्का सा मैंने इसको जो ट्रांसपेरेंसी वो कम कर दिया मैंने नीचे से। इसके साइज़ को बढ़ाना हो तो शिफ्ट के साथ आप साइज़ को बढ़ाओगे तो बिल्कुल इक्वल साइज बढ़ेगा। फिर हमें राइट क्लिक करना है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे पावर क्लिप। तो हमारा जो स्टार था वो हमारा हो चुका है। अब इसमें मुझे कुछ और क्रिएटिव डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हमें जाना, सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें सर्कल पे। यहाँ से दोबारा लेंगे हम सर्कल, यहाँ पे हम शिफ्ट कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे, और इस पर भी हम वाइट कलर फिल कर देंगे। अब जो उसकी जो आउटलाइन है इसको कैसे हटाया जाता है, सिंपल तरीका, यहाँ पे जाओगे और राइट क्लिक कर दोगे, जो उसके आउटलाइन है वहाँ से वो हट जाएगा। फिर हम एडिट पर आके इसको हम कॉपी करके रख लेंगे, अगर आपको कोई और भी कलर चेंज करना हो सर्कल का तो वो भी आप चेंज कर सकते हो।
फिर मैं जाना कन्वर्ट टू बिट मैप पे, जिसको मैंने एक इमेज बना दिया है। फिर हम दोबारा जाएंगे बिट मैप पे, यहाँ पे जाएंगे हम ब्लर पे, और यहाँ पे जाएंगे गौसी ब्लर पे। तो इसमें हम डाल देंगे शैडो, जो इसे हमारी जो लाइट पास हुई होगी वो दिख जाएगा। फिर दोनों को सेलेक्ट करके हमें सी और ई दबा देना है, हमें और करना है ब्लर। तो हम दोबारा जाएंगे वहीं पर ही बिट मैप पर ही, तो इसको जो और हम थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। फिर यहाँ से जाकर इसको ओके कर देंगे, फिर दोनों को सेलेक्ट करके ई और सी दबाएंगे। तो इसमें देखिए प्रॉपर नहीं आ रहा, हल्का हल्का सा आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर हम इसी को जाएंगे ही बिट मैप पर, या कन्वर्ट टू बिट मैप कर देंगे वाइट को, हमें वाइट वाले को करना है। फिर बिट मैप पर जाके ब्लर पर जाके यहाँ पर गौसी ब्लर पर जाएंगे। तो हमने जो वाइट वाला हमारा है इसको भी हमने ब्लर कर दिया है। फिर जो हमने यहाँ पे सर्कल कॉपी किया था इसको हम दोबारा पेस्ट कर देंगे, फिर सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको हम ग्रुप कर देंगे। तो यहाँ मैंने कुछ पहले से वेक्टरी इमेज में उठा रखी है नेट से, यहाँ इसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा। फिर इसको बड़ा कर लेंगे हम शिफ्ट के साथ, हमें साइज को कम या ज़्यादा करना है, आप ही याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ हमें साइज को कम या ज़्यादा करना है। तो फ्रेंड मैं फेस्टिवल के ऊपर अपना क्रिएटिव डिजाइन करके भेज देता हूँ आपको यूट्यूब पे, जिससे आपके लिए भी इजी हो कि आपको कोई भी फेस्टिवल पे कोई भी डिजाइन आपको बनाना हो तो आप इजीली वीडियो देख के उसको आप बना सकते हो। थोड़ा बहुत आपको चेंज करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। इसको और छोटा कर लेंगे हम शिफ्ट के साथ, यह आप अपने अकॉर्डिंग में आप सेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेट करना है, जहाँ पे आपको रखना है इसको, आप ये अपने अकॉर्डिंग में रख सकते हो। अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो आप यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन होता है पावर क्लिप में ही, तो यहाँ पे जाकर इसको आप एडिट भी कर सकते हो। देखिए हमने ट्रांसपेरेंसी टूल लिया है, मेरे को थोड़ा और चाहिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम, तो मैं इसको और थोड़ा कम कर लिया मैंने। सिंपल ट्रिक है, बस समझना हमें कि हम क्रिएटिव को बना कैसे रहे और कर कैसे रहे। यहाँ मैंने कट कर लिया उसको, जो मैं प्रॉपर दिख नहीं रहा वो, तो एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हमें कुछ चेंज वेंज करना हो तो हमें प्रॉपर दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने छोटा कर लिया हल्का सा, फिर हमें कुछ और थोड़ा छोटा कर लिया मैंने इसको, जिससे भी लोग कम दिखे हमें ये स्टार। तो देखिए ऑटोमेटिक पावर क्लिप हुआ, क्यों? क्योंकि हमने हमने एडिट से वहाँ पे खाली कट किया था, हमें जो क्रॉस का इंसान था वो हमने हटाया नहीं था। तो कोई बात नहीं, मैं अंदर से इसको मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और पास ले जाता हूँ। हमें थोड़ा सा और एडिटिंग करना है, फिर हमें यहीं पर जाना ऑप्शन पर, तो इसको मैं हल्का सा और जो इसका डायरेक्शन वाला वो मैं चेंज कर दिया है, इसको हल्का सा और अंदर लेके आए मैं। फिर मैंने माउस कर दिया, यहाँ पे बाहर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये अनपावर क्लिप हो जाता है। ये तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा इतना बन के रेडी हो चुका है ये, तो अभी मैं इसको साइड में रख लूँगा। हमें इसमें कुछ और भी क्रिएटिव डिजाइन करना है, तो यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगल, हमें एक पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है, इसको हल्का छोटा कर लेंगे हम। फिर यहाँ से लेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ कलरफुल कर देंगे, यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ भी हम कलरफुल कर देंगे, और जो इसका आउटलाइन है इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से हटा देंगे। फिर मैं जाना है एडिट पे, इसको हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो आप कंट्रोल डी दबाओगे कीबोर्ड से, वहाँ से डुप्लीकेट हो जाता है, या माउस से राइट क्लिक करोगे तो वहाँ से भी डुप्लीकेट हो जाता है। तो मैं दोबारा ले ट्रांसपेरेंसी टूल, जो उसकी जो कलर था वो मैंने चेंज कर दिया है। सिंपल ट्रिक है, कैसा हमें क्रिएटिव को डिजाइन करना है, कैसे करना है, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और आप सीखो कि कैसे हम डिजाइन को क्रिएटिव कर सकते बना सकते हैं। तो देखिए ये इतना हमारा, मैंने एक और में डुप्लीकेट कर लिया मैंने,
फिर दोबारा जाना हमें एडिट पे ही, यहाँ पे हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी दोबारा कर लेंगे। यहाँ पे इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे यहाँ से। फिर यहाँ से दोबारा ले रहे एक रेक्टेंगल, यहाँ बिल्कुल एज पे रखेंगे टॉप पे उसके जो मैं क्रिएटिव डिजाइन किया था। फिर यहाँ से लेंगे ट्रांस वहाँ पे ग्रेडियंट, सिंगल क्लिक करना है, जहाँ भी आपको कलर फिल करना हो सिंगल क्लिक करोगे आप। फिर यहाँ पे हम सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने इसे कलर फिल कर दिया हमने। फिर देखो सेलेक्ट करके वहाँ इसको हम ग्रुप कर लेंगे, या कंट्रोल जी से भी आप ग्रुप कर सकते हो। फिर इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक करेंगे इसको हम टॉप कर लेंगे यहाँ से, या आप शिफ्ट के साथ ही पेज अप कर सकते हो, शॉर्ट की होता है। शिफ्ट के साथ आप पेज अप करोगे तो हमारा शॉर्ट की होता है पेज अप करने का। तो इसको मैंने और हल्का छोटा कर लिया मैंने। अब देखिए फ्रेंड ये हमारे नीचे है, इसे मैं राइट क्लिक करूँगा ऑर्डर पर जाकर इसको पेज अप कर सकते हो, या शिफ्ट के साथ भी आप पेज अप कर सकते हो कीबोर्ड से। ओ कीबोर्ड से सिंपल तरीका होता है, शॉर्ट की होता है। इसको हल्का ऊपर करके इसको हम और ऊपर ले जाएंगे। सिंपल तरीका है डिजाइन बनाने का, क्रिएटिव कैसे बनाते हैं। किसी भी फेस्टिवल का हमें पोस्टर बनाना हो, बैनर बनाना हो, या कुछ भी क्रिएटिव हमें डिजाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। राइट क्लिक किया, इसको पहले हम कर लेंगे पावर क्लिप, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको भी कर देंगे यहाँ से पावर क्लिप। तुम्हारे देखिए इतना बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको कुछ और भी क्रिएटिव करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको और क्रिएटिव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ टैक्स भी पहले ले रखा है वेक्टर इमेज का, तो यहाँ पे इसको मैंने वेक्टर कर रखा है इस टैक्स को। ये आपको नेट में इजीली मिल जाएगा गूगल से, अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सअप दिया मेरे डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके भी मुझसे फाइल मांग सकते हो आप। तो देखिए इसमें मैंने वाइट कलर फिल कर दिया है, इसमें मैंने वाइट कलर फिल कर दिया है। फिर क्या ग्रुप कर लेंगे और इसको हम अंदर ले आएंगे। तो आपको जो भी आपको क्रिएटिव सेट करना हो या जहाँ भी आपको अपने क्रिएटिव को रखना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप रख सकते हो। प्लीज़ को मैं अनग्रुप कर दूंगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर सर्कल में कुछ था, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर कलर फिल कर देंगे, तो इसमें हल्का सा मैंने लाइट दिया है, ये हम इसको रेड दे सकते हो, रेड भी दे सकते हो कलर आप बॉटम में। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर भी हम सेम करेंगे, तो इसके बाद हम डिलीट मार दिया। इस पर भी हम कर देंगे रेड कलर फिल। फिर सबको यहाँ से हम जो सिंगल बचा इसको भी हम कलर फिल कर देते हैं इसमें। फिर हमें यहाँ से हम इसको ग्रुप कर लेंगे, इसको हम ग्रुप करने के बाद इसको हल्का सा हम छोटा कर देंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ भी आपको सेट करना है इसको आप वहाँ पर सेट कर सकते हो। और आपको बॉटम में करना हो बॉटम में कर सकते हो, ऊपर करना हो ऊपर आप सेट कर सकते हो, जहाँ आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी उसको आप सेट कर सकते हो। अगर आप क्रिएटिव में जो कुछ और भी आपको ऐड करना हो या कुछ क्रिएटिव लिखना हो तो आप वो लिख सकते हो। तो फाइल में जो भी आपको डिजाइन करना है या कोई कोई क्रिएटिव आपको ड्रॉ करना है तो ज़्यादा हो कि आप अपने हिसाब से उस क्रिएटिव को बनाएं और डिजाइन करें, जिससे आपको पता रहे कि हम क्रिएटिव कैसे बना रहे हैं, कैसे डिजाइन कर रहे हैं, कहाँ पर हमें क्या चीज़ सेट करना है। फिर यहाँ से लूँगा मैं ड्रॉप शैडो टूल, इसके अंदर मैं शैडो फिल करूँगा। आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे सबसे बेटर होता है।
तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा इतना बन के रेडी हो चुका है। ये हमें को इसके वो थोड़ी डुप्लीकेट चाहिए शैडो, तो मैंने इसको यहाँ से उठा लिया है। यहाँ को पूरा ये चाहिए तो मैं इसे वक्त सेलेक्ट करूँगा। तो हमारा सेलेक्ट होगा, पहले इसको हम ग्रुप कर लेंगे, फिर नीचे वाले को दोनों मिला के इसको दोनों को हम फिर ग्रुप करके इसको हम एडिट पे जाके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लेंगे। तो हमारा एक ये तरीका हो गया डिजाइन बनाने का। आप इसके अकॉर्डिंग अपना क्रिएटिव डिजाइन कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे गया हूँ पावर क्लिप में, कुछ एडिट करना है तो इसको मैं अन पावर क्लिप कर दिया पहले, फिर दोनों को सिलेक्ट करके फिर यहाँ से दोबारा लूँगा मैं ट्रांसपेरेंसी टूल, जो इन दोनों का जो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा लाइट रखूँगा। तो इसको हल्का सा मैं नीचे ले आया, फिर इसको मैं हल्का सा मैं नीचे ले आऊँगा। दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल सेम होनी चाहिए क्रिएटिव में। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा क्रिएटिव बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें मुझे कुछ और भी चेंज करना हो तो मैं और भी चेंज करके आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में आगे। तो मैं पूरे इमेज को पहले सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर लूँगा। इसको हल्का सा मैं पास में ले आऊँगा, इसको हल्का सा बड़ा कर लूँगा शिफ्ट के साथ। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है ये। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा।